आप जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, लेकिन उसके बाद भी आप अगर ठीक ना हो तो क्या किया जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि दवाई ही किसी काम की नहीं थी? मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड की सप्लाई की गई दवाओं में बड़ी अनियमितता पाई गई है। डॉक्टरों ने 9 से ज्यादा दवाओं और इंजेक्शन में कमी पाई है। इस खुलासे के बाद राज्य में 9 दवाओं के बड़े लॉट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। आपने कभी सोचा है कि दवाओं से आप ठीक क्यों नहीं हो रहे? ऐसा ही कुछ इंदौर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों का सवाल था, जिसकी वजह से पता लगा कि मध्य प्रदेश में कुछ दवाओं की सेहत बेहद खराब है। और मेरे जो डॉक्टर्स हैं, जो कि इंटेंसिव केयर में काम करते हैं, ओटी में काम करते हैं, वो मुझे कंटिन्यूसली ये फीडबैक दे रहे थे कि सर, एक इंजेक्शन से देने से जो असर आना चाहिए वो उतना आ नहीं रहा है। हम लोगों को कई बार दो दो इंजेक्शन, तीन तीन इंजेक्शन भी देने पड़ रहे हैं। दमोह में तो इंट्रावीनस से सलाइन चढ़ाने के बाद 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई। दरअसल डॉक्टरों की शिकायत पर एक महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवा एट्रोपिन को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया था। जांच के बाद ये पाया गया कि दवा मानक के अनुरूप नहीं थी और उसमें गंभीर कमी थी, जिसके बाद राज्य में 9 दवाओं के बड़े लॉट को प्रतिबंधित कर दिया गया। इन दवाओं में जीवन रक्षक दवाएं, एंटीबायोटिक्स और मल्टीविटामिन्स भी शामिल हैं, जो अब राज्य के किसी भी अस्पताल में उपयोग नहीं की जा सकती। MPPHSCL ने सभी जिलों के डीन, CMHO और अस्पताल अधीक्षकों को पत्र जारी कर इन दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। दवाइयां खरीदते समय उनके सर्टिफिकेट हम लोग चेक करते हैं, दवाइयां जब आ जाती हैं उसके बाद में उनके सैंपल कलेक्ट करके उनको भी प्रयोगशालाओं में भेजते हैं। उसी का परिणाम है कि जो जिन सप्लायरों ने या जिन फैक्ट्रीज ने ऐसी दवाई बनाई थी जो जनता पर असरकारक नहीं थी या जिनका उल्टा असर हो सकता था, ऐसे उनको आइडेंटिफाई यदि हमारे डॉक्टर्स ने किया है, हमारी लेबोरेटरीज ने किया, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि एक पारदर्शी व्यवस्था है। अब सप्लायरों ने भी कोई गलत दवाई सप्लाई करने का प्रयास किया, उनको प्रतिबंध भी लगाएंगे, उनको ब्लैकलिस्ट भी करेंगे और उनके खिलाफ जो भी सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई करेंगे। सरकारी अस्पतालों में दवा सप्लाई के लिए NABL सर्टिफाइड लैब का सर्टिफिकेट देना होता है। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन रिपोर्ट सही मिलने पर ही दवा खरीदती है। अस्पताल में स्टोर कीपर शासकीय लैब से जांच कराते हैं, इसके बाद फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंस्पेक्टर रैंडम जांच करते हैं। ये कागजी नियम है, अब चलिए हकीकत दिखाते हैं। ये भोपाल के हमीदिया अस्पताल के अंदर दवा दुकान है, देखिए कैसे बड़े आराम से आज भी हेपरिन नाइट्रोग्लिसरीन हमें मिल गई, वो भी उसी ब्रांड की। बाकायदा खरीदारी की, पैसे चुकाए, बिल भी लिया। कौन कौन से मिल जाएंगे मेरे को बता दीजिए तो मैं जानकारी ले लेती हूँ उनसे जिनको लेना है। ये कौन से है? चारों मिल जाएंगे। हेपरिन मिलेगी? हेपरिन है ना, ठीक है ये तीनों दे दीजिए। एक्सपायर कौन सी वाली हुई है? अच्छा डोपामाइन दे देना आपने, बिल रख दिया उसमें आपने। ठीक। JP अस्पताल के बाहर निजी दुकानों में भी ये इंजेक्शन आराम से मिलते हैं। ये बाबा यहाँ इजीली मिल जाती दवाई अगर अपन ढूंढे तो? नहीं ये क्या कम चलती है यहाँ पे। अच्छा दोपहर में सारी मिल जाएंगी? सारी मिल जाएंगी, मिल जाकर रखना है। सारी कोटेशन करवा है जो ये सभी एक सारे हो। हां दो है पालन का पावर को लिखा ही आप अंदर बुलवा सकते हैं, मिल जाएंगे सब। आप जैसे ये दवाइयां भी है अपनी, ये कुछ दवाइयां है और ये जो डीलर वाला जो सीन रहता है अपना। अच्छा ये तो इनका वो सप्लायर है। अच्छा मिल जाएगी, सब मिल जाएगा, सब मिल जाती है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम आज फोन कर रहे हैं तो फिर? नहीं 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 अवेलेबल रहेगा, सारी रहती है। जिन 9 जीवन रक्षक दवाओं के इंजेक्शनों पर अस्थायी रोक लगाई गई है उन्हें गहन चिकित्सा इकाई यानी ICU और ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल किया जाता है। कई जो दवाइयां हैं वो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, इसमें खास तौर पे जो हम ICU में पेशेंट्स जो होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर कम होता है, जैसे इसमें एक नाम है डोपामिन,
तो वो ऐसी दवाई है कि जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसको बढ़ाने के लिए काम में आता है। इसके अलावा अगर पेशेंट जब कार्डियक अरेस्ट में चले जाता है तो उसका जब CPR करते हैं तो वो CPR करने के दौरान ये काम में आने वाली दवाई जैसे नॉरएड्रेनालिन है। तो इस तरह से ये जो दवाइयाँ हैं ये इमरजेंसी सेटअप में जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं और इनकी जो गुणवत्ता है ये सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी कमतर है तो ये बड़ी मतलब कि विपरीत परिणाम देने वाली स्थिति बन सकती है। असली परेशानी ये भी है कि किसी को पता नहीं कितने सालों से गुणवत्ता के साथ समझौता हो रहा है। हमने रैंडमली जो है जांचें करवाई है तो ये बैच की जो है वो रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है, तो रैंडमली भेजा है, जो सामने दिख रहे थे वो भेज दिया। मध्य प्रदेश में पहले WHO GMP सर्टिफाइड कंपनियों से ही दवा खरीदी की व्यवस्था थी, लेकिन इसे बदल दिया गया। कोविड के वक्त से ही मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन जो दवाएं सप्लाई करता है उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठे थे। वैसे भी मध्य प्रदेश के अस्पतालों में 90% से अधिक दवाएं मिलती ही नहीं और जो मिल रही हैं उसकी भी गुणवत्ता या मानक कम पाया गया है, जो गंभीर चिंता का विषय है। भोपाल से अपने सहयोगी अमृतांशी जोशी, तनुश्री और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।